हेलो मॉमीज एंड बेबीज, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि काना 2 महीने NICU में रहकर आया था और अब उसके आने के बाद एक ही कंफ्यूजन था कि काना को कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए और किस हॉस्पिटल में लगवाई जाए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे हम इसको लेके। अब बहुत लोगों से पूछा, किसी ने हमें सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवा लो, किसी ने सजेस्ट किया कि प्राइवेट में लगवाना चाहिए, आपका बेबी बहुत वीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होने के बाद हम लोग कान्हा के डॉक्टर के पास गए और कान्हा के डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि कान्हा जो है वो एक तो प्रीमेच्योर बेबी है। प्रीमेच्योर बेबी होने के कारण कान्हा की बॉडी जो है वो बहुत वीक है, तो जो कि शायद वो पेन झेल ना पाए और उसको वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से निकल के आया है अभी अभी। तो हम कान्हा को एक और कोई परेशानी नहीं देना चाहते थे 2-3 दिन के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन होता है उसमें बेबी को जो है वो थाइज उसके स्वेल हो जाते हैं और उसे फीवर आता है 2-3 दिन तक, इसीलिए हम कान्हा को वो 2-3 दिन का ट्रॉमा और नहीं देना चाहते थे। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हमें जो है वो कान्हा के लिए प्राइवेट वैक्सीनेशन के लिए ऑप्ट करना चाहिए, पेनलेस वैक्सीनेशन के लिए, ताकि कान्हा जो है वो इजीली अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर पाए। 54 डेज NICU में रहने के बाद जब कान्हा आया तो हम इकोनॉमिकली जो है वो बहुत डिसबैलेंस हो गए थे। तो अब एक और यही कन्फ्यूजन थी कि हमें गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए या प्राइवेट। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहीं प्राइवेट वैक्सीनेशन जो होती है उसमें जो पेनफुल वैक्सीनेशन होती है ना वो 4,000 अराउंड के करीब होती है, और जो पेनलेस होती है वो ऑलमोस्ट उसके डबल प्राइस की होती है, 8,000 समथिंग के अराउंड। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशंस होती हैं वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेसिक असेंशियल वैक्सीन्स दी जाती हैं, और वहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वहाँ पर ये वैक्सीन्स तो दी ही जाती हैं, प्लस 5-6 कुछ और एडिशनल वैक्सीनेशंस दी जाती हैं, जैसे कि MMR वैक्सीन होती है और चिकन पॉक्स के अगेंस्ट होती है, लिवर डिजीज़ के अगेंस्ट होती है, हेपेटाइटिस ए होता है, ये सब वैक्सीनेशंस जो हैं वो एडिशनल दी जाती हैं। तो गाइस, जो कान्हा को वैक्सीनेशन लगी हैं वो है इन्फेंड्रिक्स हेक्सा, प्रिवनार 13 एंड रोटा वायरस। कान्हा को ना ये ऑलरेडी 3 बार लग चुकी हैं 1-1 मंथ के गैप पे, और अब जो कान्हा का नेक्स्ट वैक्सीनेशन है ना वो 6 मंथ पे शेड्यूल है। तो अब इसमें भी ना कान्हा को फीवर आता है, उसकी जो थाइज है ना वो थोड़ी बहुत स्वेल हो जाती है। फ्रेंड, पेनलेस वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके बेबी को फीवर नहीं आएगा या पेन नहीं होगा। बेबी को फीवर भी आ सकता है और पेन भी हो सकता है, बट एज़ कम्पेयर टू पेनफुल वैक्सीनेशन वो आपका बेबी ईजिली बेयर कर पाएगा। तो मॉमीज, यहाँ पे मेन बात ये आती है कि आपको रैंडमली सेलेक्ट नहीं करना है कि आपको बेबी के लिए प्राइवेट वैक्सीनेशन के लिए जाना है या गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के लिए। आपको अपने बेबी की हेल्थ को देखते हुए चूज़ करना है। अगर आपका बेबी हेल्दी है और फुल टर्म लेके बॉर्न हुआ है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, वहाँ आपका कोई पैसे नहीं लगेंगे। वहीं अगर आपका बेबी प्रीमेच्योर है, वीक है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। तो मॉमीज, आई होप आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और समझ आ गया होगा कि हमें अपने बेबी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी कुछ हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। सो मॉमीज, स्टे हेल्दी, बिकॉज एक हेल्दी मदर ही अपने बेबी को हेल्दी रख सकती है। बाय फ्रेंड्स।